अंबाला लोकसभा से जजपा और आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी पूर्व बीजेपी पृथ्वीराज सिंह से अर्थ प्रकाश की रिपोर्टर कोमल रमूला की विशेष बातचीत करने पर अंबाला लोकसभा सीट से आप जजपा पार्टी के उम्मीदवार पूर्व बीजेपी पृथ्वीराज सिंह ने कहा कि जिला पंचकुला में जिस प्रकार प्राकृतिक संपदाओं का आप प्राकृतिक तरीके से चोरी की जा रही है और माइनिंग की जिस प्रकार चोरी की जा रही है उससे करोड़ों के वारे न्यारे किए जा रहे हैं। इस चोरी पर लगाम लगानी होगी और इस वजह से जो बड़े बड़े ट्रक गाँव की गलियों में चल रहे हैं और उनसे जो हादसे हो रहे हैं उस पर नकेल कसी जाएगी। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर उन्होंने कहा कि ये दोनों सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार कार्यवाही हुई इस पर देखने योग्य बात है। इस अवसर पर आम पार्टी के जिला पंचकुला अध्यक्ष योगेश्वर शर्मा ने केजरीवाल जी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारी बहुमत से जिला पंचकुला से उन्हें जिताएंगे और ये सीट आप जजपा पार्टी जीत कर केजरीवाल की झोली में डालेंगे। इस इलाके की ज्यादा समस्या जो मैंने देखी है वो ये है कि यहाँ पर जो हमारी प्राकृतिक संपदाएं हैं उसका बड़े अप्राकृतिक ढंग से अनसाइंटिफिक ढंग से दोहन किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर माइनिंग है, यहाँ पर पूरे इस जिले के अंदर माइनिंग माफिया काम कर रहा है। लोगों ने कई कई सौ ट्रक अपने अपने चलाए हुए हैं जो राजनेता हैं और ये जो ट्रक हैं इतनी अंधाधुंध स्पीड से चलते हैं, इनमें बहुत से लोगों के तो ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है और इतने अनसाइंटिफिक ढंग से गाड़ियां चलाते हैं। जिस सड़क पर इतने बड़े बड़े ट्रकों को चलने की इजाजत ही नहीं है वहां पर भी गांव के बीच में से ये बड़े बड़े ट्रक निकाल रहे हैं और न जाने कितने जो हैं वो निर्दोष लोगों की जाने इनके ट्रकों के नीचे दबकर जा चुकी हैं। लेकिन ये जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि गरीब आदमी कैसे इतने बड़े बड़े ट्रकों के नीचे आगे मर रहे हैं। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए पंचकुला से कोमल रमूला की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।